अच्छा मैडम, कितनी बार आ चुकी हैं? एक महीने से ये हाल हो जाते हैं, रोज आती है, तो क्या की उतने दिन से? मैम उतने दिन से की क्या? सवाल ये कि क्या किया गांव वालों के लिए, क्या की पंचायत के लिए, क्या की? आए देखे गए, आए देखे गए, कितने दिन तक ये चलेगा? गांव वाले एक महीने से परेशान है, छह दिन से ये हाल है, बाढ़ में पूरा पानी, घर पूरा डूब गया है, सामान डूब गया है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। अभी अपने लिए लाइफ जैकेट लेकर के आए, मतलब इनके जान का कीमत है लेकिन हमारी जनता गरीब लोगों के जान का कोई कीमत नहीं है। लाइफ जैकेट क्यों? सरकारी नाव का व्यवस्था किया गया है। किसके लिए? जो लाइफ जैकेट क्यों? जो लोग उधर हैं उनको यहाँ आने के लिए, मार्केट जाने के लिए नाव का व्यवस्था किया गया है। तो लाइफ जैकेट का व्यवस्था हो रहा है क्या? नहीं, लाइफ जैकेट का व्यवस्था हो रहा है, किया जा रहा है। ये आपके लिए है? नहीं नहीं, ये जनप्रतिनिधि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिखाइए जरा लाइफ जैकेट। हम भी सर अभी अंदर गाँव से आ रहे हैं, पंचायत से, बिना सेफ्टी के हम भी अपने जान पे खेल के आ रहे, थोड़ा लाइफ जैकेट दिखाइए। तो आप आ जाए ना, हम लोग डेली आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि पूछ लीजिए। आप कल आए तो क्या किए? क्या की बताइए, क्या अभी तक मेन है? व्यवस्था हो जाना चाहिए, ये है सरकारी सुविधा, ये है जनता के लिए सरकारी सुविधा। सर अच्छे चाहिए, माल भूखा है, आदमी भूखा है, कहाँ से ये बात होगा? गरीब आदमी मर रहा है। एक नाव पर आप भी चढ़ जाइए मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद, ठीक है? यहाँ पे सीईओ मैम और एसडीओ सर सभी लोग अंदर गए गांव का सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए और देखने के लिए कि गांव में लोग कितने परेशान है। भाई देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, आँख खोल के देख लीजिए, कितने दिन से परेशान है और कितने परेशान है, उसके बाद हम देखेंगे कि आप क्या व्यवस्था करते हैं। तो भी कोई मदद, कोई खाने पीने के लिए देने नहीं है? कोई उपाय नहीं है, अभी तक कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। चार दिन बीत रहा है, चार दिन, सब चार दिन से भूखे। बहुत तकलीफ है, पानी में व्यवस्था सब खराब भेल है, बाल बच्चा के लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो गया है सब। और ये ऐसे बाढ़ के पानी में कैसे रह रही है? ऐसे ही, हाँ देखिए देखिए, पूरे घर में पानी है, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, ये दिखाइए, पूरे रूम में पानी है, पूरे घर में पानी घुस गया है, बाढ़ का सब पानी है, कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं, बिहार का ये हाल है। और देखिए दीवार पूरा टूटा हुआ है, एक दिन में ये ढह जाएगा, स्थिति ऐसी है। दोस्तों भी वैशाली जिले में है और एक गाँव में है। दोस्तों आप थोड़ा देखिए इधर, डेढ़ महीने से इस गांव, इस पंचायत का हाल ऐसा है। दोस्तों पूरे गांव में पानी भर गया है, लगभग 500 घर इस गांव में है। और ये नहीं बल्कि ये पूरा रोड जो आप देख रहे हैं ना, इधर बहुत सारा पंचायत और बहुत सारा गांव आगे है जो हम आपको दिखाएंगे। सारे गांव में पानी भर गया है बाढ़ का, और कोई पूछने नहीं आ रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग तैर के आ रहे हैं। आइए इधर आइए, आइए आइए, किधर जा रहे हैं आप लोग? देखिए देखिए कैसे गांव में ये लोग नाव चला रहे हैं। गांव में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोग नाव से आने जाने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा काका जी इधर आ जाइए, कहां से आ रहे हैं? गनियारी से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं? अपने घर से, गांव से? गांव से आ रहे हैं। कब से ये पानी भरा हुआ है? एक परसों से भरा हुआ है, आठ दिन से भरा हुआ जी। हाँ हाँ, एक तो एक महीना से पानी है। तैर के आए? हाँ तैर के आए। देखिए बकरी है बहुत सारा, जिसको जिसकी जान बचाई जा रही है और सबको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि क्योंकि कब और ज्यादा पानी भर जाए और कब लोग डूबने लगे कोई नहीं जानता। दोस्तों यहाँ पे गांव के लोग हैं, सबसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं और ये स्थिति है। सोचिए कि इनकी मदद के लिए कोई अभी तक नहीं आया है, ये लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं कि भाई कोई तो मदद कर दे खाने के लिए, लोगों के पास खाना नहीं बचा है। वार्ड है आप गांव के? जी वार्ड सदस्य हम। और ये गांव कौन सा? 12 और 13, हाँ। दोनों वार्ड पूरा बाढ़ से प्रभावित हो गया है। पानी कब से भरा हुआ है गांव? पानी यहां पर डेढ़ महीने से आया हुआ है। तो डेढ़ महीने से? तो पहले पानी आता था और जाता था। अच्छा, अच्छा। 7 दिन के अंदर में कम से कम 14-15 फीट पानी बढ़ गया। अभी पैदल नहीं जा सकते इसमें? पैदल नहीं, नाव का भी सहारा लेकर जाता है तो आदमी को डर लगता है, कब नाव गिर जाएगा, डूब जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। जितना घर में अनाज पानी था जो भी था सब डूब गया, सबको देख रहे हैं, सब सामान लेकर सब पलायन कर गया, सूखे स्थान पर आ गया। मदद वदद के लिए आए हैं? नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला है। एसडीओ साहब आए, विधायक जी आए, प्रतिमा दास। आश्वासन? विधायक कौन है? प्रतिमा दास। प्रतिमा दास आई थी तो क्या बोली?
जो आप लोग की व्यवस्था कराया जाएगा। कल आए थे, अभी तक देखिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अभी देखिए सब लोग गांव से बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं हम, हमारा परिवार, हमारा जानवर डूब ना जाए। दोस्तों हम पटना से मात्र कुछ दूरी पे है, 40 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये हाल है वैशाली का। यहाँ के विधायक प्रतिमा दास है और सांसद चिराग पासवान है, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। गांव से लोग अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, क्योंकि पानी में कब कौन हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। देखिए बहुत लोग हैं, थोड़ा सा हम इधर भी बात करेंगे, और सब लोग गांव से भाग रहे हैं अपनी जान को बचा करके। ये हाल हो गया है, नाव से अपने सामान को बाहर निकाला जा रहा है। इसी गांव के हैं? इसी गांव का है। कब से ये हाल है, पानी भर गया? महीना से पानी आया यहाँ पर, इस बार 5-7-8 दिन से बहुत विशेष पानी हो गया। खाना पीना, घर परिवार कैसे चल रहा है? सब दिक्कत हो गया, खाने में 4 दिन हो गया खाया हुआ। बकरी 4 गो बह गया, देखते हैं जी 4 गो बकरी भी बह गया, कोई उपाय नहीं। बेचारी भूखे हो गए? सब भूखे है, कोई खाने का कोई उपाय नहीं है। कोई नहीं पूछने आ रहा? ना पूछने आता है ना देखने आता है, खाली वोट मांगने के लिए आता है, हमको दो हमको दो। बताइए क्या हाल है। देखिए सब अपना गाय का भूसा उसा जो भी जितना भी बच पा रहा है, जितना बचा पा रहे, ये लोग नाव से ले ले करके आ रहे हैं। आज भी डूब रहा है, खाना खत्म। पदाधिकारी लोग आते हैं तो कहते हैं जो पानी 2 दिन में घट जाएगा, और चले जाते हैं 2 मिनट में। सीओ के कितना कॉल किए फिर भी वो आए, आ करके चले गए चुप के, कहें जब 2 दिन में पानी घट जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। SDO साहब भी पहुँचे, कहें जब कल फिर हम आते हैं, अभी तक के नहीं आए, अब देखिए आगे क्या होता है। SDO साहब बोल करके नहीं आए हैं, विधायक और सांसद की तरफ से कोई मदद नहीं। खाली पब्लिसिटी के लिए आते हैं, उन लोग कोई मदद नहीं करते हैं। अभी अगले साल तो चुनाव है, फिर तो आप बता दीजिए। बस वही उनका हिते है, बस चुनाव। पदाधिकारी बेलगाम है, आप लोग भी आवाज उठाइए, पदाधिकारी बेलगाम है। नीतीश बाबू के शासन में पदाधिकारी बेलगाम है, कोई किसी का नहीं सुनता है। हम लोगों को बाढ़ राहत चाहिए। बताइए क्या हाल है इन लोगों का। दोस्तों पूरे गांव में, पूरे पंचायत में, पूरे घर में पानी भर गया, हर साल यही होता है। यही प्रत्येक साल का यही हाल है, इस पर कोई प्रतिनिधि सोच में नहीं करते, आते बस वोट मांग के चले जाते हैं। विधायक मैडम आई, मतलब चेहरा दिखा कर चली गई, फोटो लेकर के चली गई। अरे भाई इनका हालत ऐसा है ना कि तुरंत कुछ उन लोग के लिए करना चाहिए, खाना पीना का व्यवस्था करना चाहिए। ये लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? सुनिए ना, खाली यही से ना होगा कुछ, हम लोग को परमानेंट व्यवस्था चाहिए, वहाँ से बांध बनवा दीजिए। हम तो सोच रहे हैं कि माननीय चिराग पासवान से अनुरोध कर रहे हैं कि गनियारी से लेके बिलर चौक और वहाँ चनपुरा के बीच में एक बांध बनवाया जाए, जिससे हम लोग को राहत मिल सके। बात बताइए, हर साल यही हाल से कुछ थोड़ी होने वाला, हम लोग बार बार हर साल यही तबाह होते रहते हैं। खाना पीना से क्या होगा? क्या होगा, बस थोड़े देर के लिए 2-4 दिन के लिए कुछ चलाते हैं, कुछ देते हैं, उससे हम लोग को क्या होगा। कितना सारा क्षतिग्रस्त है, देख ही रहे हैं आप लोग, पूरा आप लोग का घर बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद होगा, घर बर्बाद हो गया, घर द्वार सब। कैसे रहते होंगे ये लोग, यही लोग समझ सकते हैं। दोस्तों बताइए जब घर में पानी 4 दिन से लिट्टी समोसा चूरा किसी से फाक फूक आदमी रह रहा है। पानी खत्म हो जाए, आज पानी हो गया, खेती भी चला गया। हाँ खेती तो खत्म हो गया, बात खत्म है, कुछ नहीं है अब खेती में, फिर खाएगा क्या? सब मीडिया वाला पूछने आया कि नहीं? कोई नहीं पूछने आया है, अभी आता है नहीं, कोई नहीं आया है, अभी आप आ रहे हैं, अभी फोटो खींच रहे हैं, कोई नहीं आता। ये वैशाली जिले के गांव में है, और देखिए महिला, देखिए महिला कैसे नाव पे बैठ करके अपने घर पे जा रही है। और दोस्तों ये है हमारे बिहार का हाल, सोचिए अगर बाय द वे ये लोग गिरते हैं या कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है बताइए। कोई जैकेट का व्यवस्था नहीं है, लाइफ जैकेट का। बाय द वे नाव पलट जाएगी तो क्या होगा इन लोगों का, मतलब ये क्या है, बिहार में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। अभी 2025 में सब लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, लेकिन वोट के बाद कोई काम करने नहीं आता है। ये है हमारे बिहार का हाल, कब तक ये चलेगा ये बताइए। लोग कितने परेशान हैं, कोई समझ सकता है क्या? आप लोग जा करके देख लेते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा थी है, कोई अच्छा ना पर बैठा लेते हैं, देख लीजिए क्या दशा है, लेकिन पलटेगा नहीं ना,
पैसा नहीं होगा। सुरक्षित से जाइएगा, परिस्थिति बहुत खराब है, चल के वहाँ देख लीजिए। में बड़ा बड़ा इवेंट होता है, पॉलिटिकल पार्टी इवेंट करती है, अभी 2025 का चुनाव है ना, खूब एकदम माहौल बनेगा, बड़ा बड़ा इवेंट होगा, पोस्टर लगेगा, खूब खर्च होगा। प्रशांत किशोर जी जो दावेदारी रखते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत कुछ बदलेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, लेकिन वो इवेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको आने का खबर तक नहीं कि भाई यहाँ पे वैशाली का क्या हाल है, यहाँ के कुछ गांव, कुछ पंचायत का क्या हाल है, वार्ड 12 और 13 का क्या हाल है, एक बार आ करके घूम लीजिए और देखिए यहाँ का हाल। वार्ड सदस्य यहाँ का 4 दिन से हम खाना नहीं खाए, जनता के परेशानी को देखते हुए कभी CEO साहब को फ़ोन करते हैं, कभी SDO साहब के, कभी विधायक जी को, और सब आते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं। अभी तक जितना भी वहाँ नयागंज हाट पर आदमी सब मवेशी है, आदमी है, उसको खाने के लिए अभी तक भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है, सब सिंघाड़ा लिट्टी चिवड़ा फाँक फाँक कर रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करते हैं जो देखिए हम लोग का क्या हाल हो गया है यहाँ पर। नहीं, आपदा राहत कोष काहे के लिए बना है भाई, ये आपदा है, इसमें नहीं राहत मिलेगा तो किस में मिलेगा? मवेशी सड़क पे है और जो स्टेट हाईवे के पास ये गांव है, ऐसा गुजर रहा है गाड़ी जैसे मान लीजिए कोई हादसा हो सकता है, सड़क पे एक बैरिकेड नहीं लगा है कि यहाँ पे आबादी रह रही है, कभी भी कुछ हो सकता है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये लोग क्या कर रही हैं? इवेंट कर रही है, पोस्टरबाजी गाड़ियों में एकदम लग रहा है जैसे बाहुबलीपन दिखा रही है। यहाँ पे कोई है क्या? कोई मंत्री, कोई नेता आया क्या? कोई नहीं आया। नहीं, हम अभी उस घर में जा रहे हैं जहाँ पे पूरा घर डूबा हुआ है और इस बाढ़ के पानी से जो गांव में घुस गया है बाढ़ का पानी, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सालों से ये चला आ रहा है, यहाँ कोई पानी खत्म करने का ना बांध है ना कुछ बना, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये देखिए, ये सब घर का दृश्य है, जरा दिखाइए कैमरे में, बिहार के लोगों को दिखाइए CM नीतीश कुमार को, देखिए क्या हाल है, जनता कैसे रह रही है, किसी को कोई मतलब नहीं, अभी तक देखने नहीं आया कोई, अभी तक नहीं आया है। तैर तैर के और नाव से बाहर जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं, गांव वाला सब आता है कोई तो लेकर जाता है, नहीं तो नाव भी नहीं है, हम लोग हेल कर जाते हैं आते हैं। हाँ, देखिए पूरे घर में पानी है, इधर दिखाइए, ये दिखाइए, पूरे रूम में पानी है, पूरे घर में पानी घुस गया है, बाढ़ का सब पानी है, कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं, बिहार का ये हाल है। और देखिए दीवार पूरा टूटा हुआ है, एक दिन में ये ढह जाएगा, स्थिति ऐसी है, बाढ़ का पूरा पानी घर में घुस गया है, गांव में घुस गया, पंचायत में घुस गया है, और सालों से ये हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। काकी, ये खाना वाना क्या बन रहा है, क्या बना रही है खाना पीना? कुछ नहीं, जगह नहीं है तो कैसे बनाएगा, चूल्हा बुता हुआ है, चूल्हा में पानी है, चल के देख लीजिए। तो भी कोई मदद, कोई खाने पीने के लिए देने नहीं है? कोई उपाय नहीं है, अभी तक कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, 4 दिन बीत रहा है, 4 दिन, सब 4 दिन से भूखे, कभी जाते हैं लिट्टी लाते हैं, कभी जो यहाँ से कुछ घर में घुस गया है, बताइए पूरा बाढ़ का पानी, क्योंकि खाना बन नहीं सकता, चूल्हा का हाल देखिए और ये देखिए, बाप रे, ये पूरा पानी तो उफान मार रहा है, पूरा स्पीड से आ रहा है पानी, इसको जूम कीजिए, पूरा दिखाइए घर का हाल दिखाइए, और ये एक घर नहीं, इस तरह का 500 घर है। अच्छा, आप लोग को डर भी लगता होगा कभी हादसा ना हो जाए? बहुत ज्यादा डर है, हम लोग का बड़ा बड़ा सांप निकलता है, दिन भर तो भूलते हैं, बाकी रात में नींद नहीं आता है, डर लगता है कहीं पानी और भर गया और डूब गया, बच्चा सा है, गिर जाएगा, डूब जाएगा। सत्तू खा रहे हैं, कोई आ रहा है देखने? कोई नहीं। डर लगता है कि इस तरीके से कब क्या हो जाए, बाढ़ से लोग डूबेंगे कि क्या हो गया, कि भंस जाएंगे, कहाँ कोई आ रहा है? हाँ, सत्तू इतना पी करके खा के, सत्तू पी का तार कोती भूखे, सत्तू पी के यार क्या करेंगे, बाल बच्चा क्या खा रहा है? कुछ नहीं, ऐसी ऐसा क्या चीज है, वो व्यवस्था है ना, कहता क्या चीज खाएंगे। और ये पंचायत के वार्ड साहब का भी ये हाल है, मुखिया जी के घर का भी यही हाल है, आपके घर का भी यही हाल है? नहीं, मुखिया का घर उस पर पड़ता है। अच्छा, तो उनका घर नहीं डूबा? मेरा जो घर है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में, मेरा यही घर है, देखिए मेरा तस्वीर दिखाइए। और आपका घर डूब गया है ना? मेरा घर डूब गया, मेरा जितना भी बच्चा था, बीवी था, सब 3 दिन पहले यहाँ से घर छोड़ के चला गया, सब डर के चला गया से घर। घर में इतना पानी है, देखिए ये तो मेरा घर है, देखिए घर में पूरा कितना पानी, यही देखिए वार्ड सदस्य का घर है। लड़की महिला सब लोग नाव से गांव से बाहर जा रही है,
और सब लोग यहाँ से भाग रहे हैं अपनी जान को बचा करके। देखिए सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्य किया जाए, काम किया जाए, लोगों को राहत दिया जाए और इनके गांव में जो बाढ़ का पानी घुस गया है इसकी व्यवस्था किया जाए। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान, असुरक्षित हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इन लोग के साथ कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेवार होगी, यहाँ के सांसद और विधायक जी जिम्मेवार होंगे, जिला प्रशासन जिम्मेवार होगी, जो अभी तक इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। ये दादी जी यहीं पे बैठी हुई है, तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, पानी में व्यवस्था सब खराब भेल है, बाल बच्चा के लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो गया है सब। और ये ऐसे बाढ़ के पानी में कैसे रह रही है, ऐसी ही दिक्कत पानी से। में आप लोग का जीवन यापन हो रहा है? हाँ बहुत दिक्कत, भोजन उजन के सब के व्यवस्था खराब भेल है। बताइए पूरे घर में पानी है, पूरे घर में पानी घुस गया है। दोस्तों गांव में घूम करके और गांव वालों की स्थिति देख करके अब हम लोग सड़क पे आ गए हैं और सुन रहे हैं कि एसडीओ साहब आने वाले हैं और क्या व्यवस्था कर रहे हैं इतने दिन से। थोड़ा सा साइड होइएगा ना, थोड़ा सा, बहुत स्थिति खराब है यहां पे। एसडीओ साहब सर यहां पे क्या हाल है, क्या व्यवस्था किए हैं गाँव वालों के लिए ये बताइए। नहीं जैसे कनेक्टिविटी का इशू हुआ है तो हम लोगों ने नाव का व्यवस्था किया है। लाइफ जैकेट क्यों? सरकारी नाव का व्यवस्था किया गया है। किसके लिए? जो लाइफ जैकेट क्यों? जो लोग उधर हैं उनको यहाँ आने के लिए मार्केट जाने के लिए नाव का व्यवस्था किया गया है। तो लाइफ जैकेट का व्यवस्था हो रहा है क्या? नहीं लाइफ जैकेट का व्यवस्था हो रहा है, किया जा रहा है। ये आपके लिए? नहीं ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिखाइए जरा लाइफ जैकेट। हम भी सर अभी अंदर गाँव से आ रहे हैं, पंचायत से, बिना सेफ्टी के हम भी अपने जान पे खेल के आ रहे हैं। थोड़ा लाइफ जैकेट दिखाइए। तो ये लाइफ जैकेट क्यों? सरकारी नाव का व्यवस्था किया गया है। किसके लिए? जो लाइफ जैकेट क्यों? जो लोग उधर हैं उनको यहाँ आने के लिए मार्केट जाने के लिए नाव का व्यवस्था किया गया है। लाइफ जैकेट का व्यवस्था हो रहा है क्या? नहीं लाइफ जैकेट का व्यवस्था हो रहा है, किया जा रहा है। ये आपके लिए? नहीं ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिखाइए जरा लाइफ जैकेट। हम भी सर अभी अंदर गाँव से आ रहे हैं, पंचायत से, बिना सेफ्टी के हम भी अपने जान पे खेल के आ रहे हैं। थोड़ा लाइफ जैकेट दिखाइए। तो वैशाली में है और कैमरा किधर है? उधर है। हाँ सर बहुत तो बहुत शुक्रिया आप आ रहे हैं। हाँ हाँ आप आए, कल भी आए हैं, आप आ जाए ना, हम लोग डेली आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि से पूछ लीजिए। आप कल आए तो क्या किए? क्या किए बताइए, आप ही बताइए। और करने से क्या होगा? आज के विषय में गहन छानबीन करने के बावजूद जो राहत चलेगा उसको चलाया जाएगा। भोजन का व्यवस्था होगा, चला का व्यवस्था होगा, पूरी व्यवस्था आज तो हो जाना चाहिए। आज एसडीओ साहब हमारे साथ जा करके वहाँ देख रहे हैं, कल भी देखे थे ना, आज भी देख रहे हैं। जो सभी जितना भी घर पानी घुसा हुआ है सबका व्यवस्था। सर एसडीओ साहब ये सवाल है कि आप अंदर जाके सर्वे किए हैं? अभी जा रहे हैं ना, अभी सर्वे करने के लिए ना। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा गाँव वाले के लिए, क्या कीजिएगा? सारा एसओपी है, अगर उनके घर में चूल्हा नहीं जल पाता है एज पर रूल, तो अगर वो विस्थापन जनता परेशान है, जनता परेशान है और सर उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए काम कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद करते हैं। लाइफ जैकेट सर अपने लिए लाए हैं, एसडीओ साहब लाइफ जैकेट लाए हैं। अच्छा मैडम कितनी बार आ चुकी हैं? एक महीने से ये हाल हो जाते हैं, रोज आती है, तो क्या की उतने दिन से? मैम उतने दिन से की क्या? सवाल ये है कि क्या किया गाँव वालों के लिए, क्या की पंचायत के लिए, क्या की? आए देखे गए, आए देखे गए, कितने दिन तक ये चलेगा? गांव वाले एक महीने से परेशान है, छह दिन से ये हाल है, बाढ़ में पूरा पानी, घर पूरा डूब गया है, सामान डूब गया है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, नहीं है कोई व्यवस्था, हम लोग सवेर से मर रहा है उधर। आके देखे और गए, व्यवस्था तो अभी तक हो जाना चाहिए। तीन दिन से आते हैं जाते हैं, व्यवस्था मिल भी नहीं कर रहा है। अभी देखिए अभी अपने लिए लाइफ जैकेट लेकर के आए, मतलब इनके जान का कीमत है लेकिन हमारी जनता गरीब लोगों के जान का कोई कीमत नहीं है। बोलो के साथ कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सर लोग पूरा जैकेट पहन के जाएंगे। देखिए अभी तक मेन है व्यवस्था हो जाना चाहिए, ये है सरकारी सुविधा, ये है जनता के लिए सरकारी सुविधा। रात से बाल बच्चा मर रहा है सब पानी, पानी में बाल बच्चा मर रहा है, न मोमबत्ती देता है न कुछ दे रहा है। अभी आए हैं एसडीओ साहब, बोल रहे हैं कि काम होगा। देखिए बात ये है कि अभी आए
अभी जाके देखिए लाइफ जैकेट पहन के जा रहे हैं। ठीक है, आज बोल रहे हैं कि आज से राशन वाशन बटेगा, काम होगा। देखिए ये बीच वाला जो अधिकारी का नाव है, अधिकारी के नाव में सब लोग लाइफ जैकेट पहनेंगे, अधिकारी लोग पहनेंगे, लेकिन ग्रामीण लोग, जनता का, जनता के नाव पे कोई लाइफ जैकेट नहीं है, कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई सुरक्षा से नहीं जाएंगे, सब असुरक्षित होकर के जाएंगे।